हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और इधर जींद के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर सरकारी अस्पताल से कोरोना की 1710 वैक्सीन की चोरी की गई है। इसमें कोविशील्ड की 1270 और कोवैक्सीन की 440 वैक्सीन चोरी हुई है। पीपीसी सेंटर के मुख्य गेट के ताले को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पीपीसी सेंटर के इंचार्ज एवं स्वास्थ्य निरीक्षक राममेहर वर्मा ने बताया कि वैक्सीन के साथ चोरों ने जांच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फाइलें भी चोरी की हैं, जिसके बाद जिले में वैक्सीन का संकट पैदा हो गया है। तो सरकारी अस्पताल से कोरोना की वैक्सीन चोरी होना अपने आप में बेहद सेंसिटिव मामला है। ये बहुत ज्यादा गंभीर बात है कि जहां एक तरफ वैक्सीन्स की भी कमी है देश में, लोगों को वैक्सीन्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, और ऐसे में अब वैक्सीन्स की भी चोरी की जा रही है। कोरोना वैक्सीन चोरी हुई है जींद के सरकारी अस्पताल में। हमारे सहयोगी राजेश जुड़ गए इस पूरी खबर पर। राजेश, वाकई बड़ा अजीबोगरीब मामला है ये कि वैक्सीन एक तरफ लोगों को मिल नहीं पा रही है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वैक्सीन सफिशिएंट संख्या में नहीं पहुंच पा रही है, और यहां तो चोरी हो रही है। देखिए, जींद का जो नागरिक अस्पताल है, यहां पर 1710 वैक्सीन यहां पर चोरी हुई है। कोविड 19 को रोकने के लिए जो टीके लगाए जा रहे हैं, यहां की जो 1710 वैक्सीन यहां पर चोरी हुआ है, ये बड़ा ही अजीब और गरीब मामला है। देखिए, पहले हमने देखा कि सोने चांदी व दुकानों में तो चोरियां होती देखी थी, लेकिन आज सरकारी अस्पताल में भी टीकों की चोरी होने लगी, ये भी बड़ी अजीब और गरीब बात है। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है, और जो जो वहां पे मौजूद कर्मचारी है जिनकी टीपी सेंटर के अंदर ड्यूटी लगाई गई थी, उनसे भी छानबीन कर रही है इस बारे में कि किस तरह ये चोरी हुई और किस कारण से ये वैक्सीन किस टाइम यहाँ पे रखे गए थे, किस टाइम यहाँ पे चोरी हुई, इसके सारी तफ्तीस में जान लगी हुई है। जी बिल्कुल। तो अब इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल किस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है, और इस पूरे मामले में पुलिस क्या कह रही है, कैसे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई पे लगी हुई है। जो यहाँ पर डीएसपी है धर्मवीर जी, वो ये अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं। मुआयना उन्होंने किया और यहाँ की तफ्तीश कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पीपी सेंटर के अंदर किसी प्रकार के भी सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर मौजूद नहीं थे। उससे थोड़ा हट के दूसरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन फुटेज को भी जो पुलिस की टीम है वो जांच करने में लगी हुई है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो यहां पर जींद में सरकारी अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन चोरी हो गई है। कोविड को लेकर जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, ऐसे में वैक्सीनेशन सभी को दी जा रही है, तो वैक्सीन की चोरी यहां पर की गई है सरकारी अस्पताल से। अपने आप में बेहद अटपटा और पेचीदा मामला यह है, जिसकी जांच